प्रीत जहाँ की रीत सदा, ऐसी ये भूमि जहाँ कटुता का तो नाम भी नहीं है। अभी हाथ खड़ा करो, कितने लोग स्वर्ग की तैयारी कर रहे। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। कभी दान करना है तो स्पष्ट भावना से करना। मेरी मनोवृत्ति ठीक होगी, मेरे परिवार का कल्याण होगा, इस धरती पर स्वर्ग बनेगा। और निश्चित रूप से यहां स्वर्ग पाकर गए हो ना, तो जहां जाओगे स्वर्ग में जाओगे, और यहां स्वर्ग नहीं पा सके हो तो जहां जाओगे दुखी रहोगे। स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। बाबा मौर्य की पंक्तियां हैं, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया। और कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश मढ़वाए थे, याद करो अपने मंदिरों को, इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए थे एक समय में, स्वर्ण कलश भरे हुए। मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश मढ़वाए थे, और फर्शों में माणिक मोती हीरे पन्ने जड़वाए थे। आंख मूंद कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। उन मंदिरों को खंडर बना के आपके दान पुण्य, और जो आपने कहा कि हम स्वर्ग के लिए ये दान इकट्ठा कर रहे, वो सबको लेकर के आता था ही चले गए। इसलिए स्पष्टता से दान करो तो स्पष्टता से करो। और मैं ये भी कहूंगी कि करो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते, लोग हमेशा साधारण सी बात में कह देते हैं कि अपनी सामर्थ्य जितनी है उतनी करो, पर स्वामी विवेकानंद कहते कि तुम्हारी सामर्थ्य जिस कार्य को करने की है उससे भी ऊपर बढ़ करके करो, वो मनुष्यता है, वो श्रेष्ठता है। जो सामान्य तरीके से कार्य हो जाए वो तो सामान्य है ही, लेकिन जिस कार्य को करने में कुछ परिश्रम, कुछ मेहनत, कुछ अधिक लगता है, वो कार्य ही श्रेष्ठ बनाता है। राजा हरिश्चंद्र सब कुछ दे करके भी विश्वामित्र जी के उस वरदान को पूर्ण किया था। इस बात को चिंतन कर लें। ये कथा माँ भगवती की कथा में, राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा, भगवान शिव के कल्याणकारी होने की कथा, ये सारी माँ भगवती की देवी भागवत कथा में आती हैं और हम सबको जगा करके जाती हैं। और एक बात ध्यान रखना, खाया पिया अंग लगेगा, दान किया वो संग लगेगा, और बाकी सब में जंग लगेगा। यथार्थ है तीन ही गति हैं धन की, जो अपने ऊपर उपभोग करोगे। मैं ये कहती हूं कि अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, बढ़िया ढंग से रहो, सुंदर बन के रहो, लेकिन कुछ लोग ऐसे न तो अच्छा खाएंगे, न तो अच्छा पहनेंगे, न तो किसी को देंगे, न तो किसी की मदद करेंगे, न तो किसी धर्म के काम में लगाएंगे, बस कुंडली मार करके बैठ जाएंगे, ऐसे धन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा है, जितना दिया है उसमें से भी अपने ऊपर भी लगाते हैं, परिवार पर भी लगाते हैं, समाज और राष्ट्र पर भी लगाते हैं, धर्म में भी लगाते हैं, और उसको प्रसाद बना करके आनंदमय जीवन जीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। और ये बात देख लेना, जिसने कभी कोई दान पुण्य न किया हो, किसी के लिए एक रोटी तक न दी हो, उसको देखना, और जो सदैव अच्छे कार्यों में लगे रहते, जिनकी भावनाएं अच्छी हैं, उनका जीवन देखना, उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि इस पर कितने मन बोझ रखा है, और उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये कितना हल्का और खिलता और मुस्कुराता हुआ है। और एक व्यक्ति मुझे ऐसा बता दो आज तक, जिसने कोई किसी के लिए कुछ किया हो या दान किया हो और उसकी तिजोरी में कोई कमी पड़ गई हो, एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए। और एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए कि जो धर धर के बैठा हो,
वो कभी तुम्हें हंसता हुआ मिला हो, मुस्कुराता हुआ मिला हो, खिलता हुआ मिला हो। ये यथार्थ शास्त्रीय बात है। ये ऋषियों ने ये परंपराएं प्रक्रियाएं ऐसे ही नहीं चलाई हैं, अपने जीवन पर पहले अनुभव किया है और अनुभव करके तब जाकर के आप तक वो प्रक्रियाएं पहुंचाई। ददीची जो हड्डियों तक का दान कर देते हैं इस समाज के लिए, राक्षसों की समाप्ति के लिए। ये धरती ऐसी है, ये पराक्रमियों की, वीरों की और योगियों की भूमि है माताओं बंधुओं। इसलिए आज की ये विश्राम दिवस की कथा ये कहती है कि अपनी बुराइयों को छोड़ो और अपने जीवन में कुछ अच्छाइयां धारण करो।